रिलेशनशिप्स एंड प्रॉब्लम्स। दुनिया के हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी होती है। और जितने भी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है, हर पार्टनर कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, मैं तो ये कर रही थी उसने ही गलत ले लिया, या मैं तो ये कर रहा था वही खराब है। तो हर रिलेशनशिप में एक स्टेज ऐसा आता है कि वो रिलेशनशिप नहीं बल्कि वॉर बन जाती है, और वॉर में सामने वाले को हराना, सामने वाले को गिराना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, रादर देन सामने वाले को प्रोटेक्ट करना, सामने वाले की खुशी का ध्यान रखना, सामने वाले के लिए केयर करना। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कोई बात को लेके अनहैप्पी होते हैं, और उस अनहैप्पीनेस का रीजन हम हमारे पार्टनर में ढूंढने लगते हैं, हम हमारे सराउंडिंग्स में ढूंढने लगते हैं, और फिर हमें आता है गुस्सा, और उस गुस्से के कई रूप होते हैं जो आपने देखे होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती है? ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए आती है क्योंकि हर रिलेशनशिप में हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और हम यही कहते हैं कि उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसे मेरे बारे में भी सोचना चाहिए था। पर ये चीज़ हम समझते नहीं है कि लव का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को पूरी तरह कंट्रोल करके रखे, जकड़ के रखे। लव का मतलब है कि आप उन्हें फ्री छोड़ दे। पर फ्री तो कौन छोड़ेगा इस दुनिया में भाई, कोई भी नहीं। हर इंसान को आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, और यदि आप वो चीज़ उन्हें नहीं देंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, वो नाराज़गी आप पे जताएंगे, और जब वो चीज़ आप उन्हें नहीं देंगे तो वो गुस्सा एक अलग ही रूप ले लेता है, और ये झगड़े की वजह से कई बार परमानेंट डैमेज होता है, या सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि कोई भी नहीं सुधार सकता। तो जब भी आप ऐसा गुस्सा फील करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बैठें, 5 मिनट सोचें, और फिर अपना रिप्लाई दें, और फिर एक सॉल्यूशन का ट्राई करिए। अच्छा, सॉल्यूशन मिल जाए उसका ये मतलब नहीं है कि आगे से आपका पार्टनर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। डिसअपॉइंटमेंट आती ही रहेगी लाइफ लॉन्ग। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एक्सपेक्टेशन है वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट्स है, जहाँ पर अच्छे दिन है वहाँ बुरे दिन भी है, और बुरे दिन है तभी अच्छे दिनों की वैल्यू है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हस्बैंड पूरा दिन काम करके जब घर आते हैं और तुरंत ही वाइफ उन पे हमला कर देती है कि मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, आपको ये लेके आना था, वो लेके आना था, और हस्बैंड जब पूरा दिन बॉस, कोवर्कर्स, GST, पेट्रोल प्राइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस से डील करके घर आता है तो उसे भी एक शांति चाहिए होती है। और इसमें वाइफ का एंगल भी मैं समझता हूँ कि वो पूरा दिन घर पे वर्क करती रहती है, उन्हें भी पूरा दिन घर के सारे काम करने होते हैं, बच्चों का ध्यान रखना होता है, प्लस घर की क्लीनिंग, 2 टाइम खाना बनाना, तो इजी काम तो किसी का भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा राइट है, बंदी राइट है, दोनों ही अपनी जगह सही है, दोनों का ही काम मुश्किल है। देखिए, हर इंसान अक्सर क्या समझता है कि उसका काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और बाकी दुनिया जो कर रही है वो आसान है, और ये फीलिंग सब में, चाहे लड़का हो, लड़की हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, यूट्यूबर हो, स्टूडेंट हो, हर इंसान को यही लगता है कि दुनिया के सारे दुख उसी को है और सारे हार्ड काम उसी के हिस्से में आ रहे हैं। बट इट इज क्वाइट कॉमन, ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि हस्बैंड जब शाम को घर आ रहे हैं तो वाइफ एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करे कि उन्हें रिलैक्स फील हो, ही फील्स गुड। तो हस्बैंड की ड्यूटी क्या है? तो हस्बैंड की ड्यूटी ये है कि वो पूछे कि तुम्हें घर के किसी काम में हेल्प चाहिए? सारे काम नहीं कर सकते पर एटलीस्ट एक एफर्ट ले सकते हैं, प्लस पूछ सकते हैं कि बाहर से कुछ लाना है तो मैं कल लेता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, तुम्हारा दिन कैसा गया? ठीक है, कल से ग्रोसरीज मैं लेता आऊंगा। तो जब ऐसी कॉन्वर्सेशंस होगी तो आप देखेंगे कि दोनों का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि फाइट्स नहीं होगी, फाइट्स आर ऑलवेज देयर, पर इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड द मिडल ग्राउंड। जैसे गौतम बुद्ध कहते थे ना कि मध्यम मार्ग ढूंढिए, थोड़ा थोड़ा लेट गो दोनों करें तो एक ब्यूटीफुल लाइफ बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।